Hello dear students, my name is Vaishali and I am from Nahar Convent High Secondary School. इस वीडियो में हम देखेंगे नाउन और उसके टाइप्स के बारे में. तो सबसे पहले देखते हैं कि नाउन क्या होता है. तो जो हम अपने क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं दैट नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग. नाउन क्या होता है? हर वो चीज का नाम जो हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में हमें दिखाई दे रही है, चाहे वो कोई पर्सन हो, किसी जगह का नाम हो, किसी एनिमल बर्ड का नाम हो या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग का नाम हो. तो यही सारी चीजें क्या होती है? नाउन होती है. इस नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं. तो नाउन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? जब भी हमें किसी चीज के बारे में कोई क्वालिटी बतानी है ना, मुझे बोलना है सपोज कि दिस बैच इज मेड ऑफ वुड. मुझे बताना है इस बेंच के बारे में किस चीज से बनी है? वुड से बनी है. तो यहाँ पे जो मैंने बोला बेंच, ये वर्ड क्या हो गया? नाउन हो गया. वुड क्या हो गया? वुड भी नाउन हो गया. तो जब भी हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब भी हम किसी भी चीज का नाम लेते हैं, तो वो सारे ही नाम क्या होते हैं? नाउन होते हैं. इरिस्पेक्टिव कि वो किसी इंसान का नाम है, किसी एनिमल का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी नॉन लिविंग थिंग का नाम है, एनीथिंग. हम जिस भी चीज का नाम लेते हैं सभी क्या होते हैं? नाउन होते हैं. अब बात करते हैं हम नाउन की टाइप्स के बारे में है. तो अगर जनरली बोला जाए तो फोर टाइप्स होते हैं और एक और टाइप को उसमें ऐड कर सकते हैं. सबसे पहले बात करते हैं हम कॉमन नाउन की. कॉमन नाउन, कॉमन नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो क्या होगा. कॉमन होगा मतलब कि आम होगा. तो कॉमन नाउन में वो चीजें आती हैं जिनके नाम से आप किसी एक स्पेसिफिक थॉट को अपने माइंड में नहीं ला सकते. अगर आपने वो वर्ड सुना तो आपके माइंड में एक जनरल आइडिया आ जाएगा उसको लेकर, पर कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं आएगा. राइट? जैसे मैंने वर्ड बोला क्लास, तो यहाँ पर जब तक मैं क्लास को आगे स्पेसिफिक नहीं बना रही हूँ कि क्लास 8, क्लास 7, क्लास 4, तब तक हमारे माइंड में क्लास, मैंने क्लास रूम नहीं बोला है ना, एक चीज ये भी याद रखना, क्लास बोला है मैंने. तो जब तक मैंने क्लास बोला था तब तक हमें क्लियर नहीं हुआ था कि मैं कौन सी क्लास की बात कर रही हूँ, पर जब मैं उसे स्पेसिफिक बना दूंगी तब हमें क्लियर हो जाएगा. राइट? जैसे मैंने बोला बॉय, गर्ल, इसको सुनने से क्लियर नहीं हो रहा है कि मैं कौन से बॉय की बात कर रही हूँ, कौन से गर्ल की बात कर रही हूँ. पर मैंने बोल दिया, सपोज मैंने नाम ले लिया रोहन, मैंने गर्ल का नेम ले लिया रिया, तब हमें क्लियर हो गया कि हाँ मैं किसको बुला रही हूँ, तब हमारे माइंड में क्लियर हो गया. तो जब हमारे माइंड में किसी वर्ड को सुनकर सिर्फ एक जनरल आइडिया आता है, कोई स्पेसिफिक चीज हमें समझ में नहीं आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन. नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर नाउन की. तो जैसे मैंने आपको कॉमन नाउन में समझाया कि बॉय और गर्ल कॉमन नाउन है, उससे हमें कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं मिल रहा है, पर जब मैंने उनके नेम्स ले लिए थे रोमन एंड रिया, तब वो क्या बन गए थे? प्रॉपर नाउन. तो इसी तरह से जब भी हम किसी कॉमन नाउन को स्पेसिफिक बना देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन. जैसे मैंने कंट्री बोला तो कंट्री क्या हो गया? कॉमन नाउन. पर अगर मैंने कंट्री का नेम ले लिया इंडिया, तो इंडिया क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. समझ में आया? उसी तरह अगर मैंने वर्ड बोला प्लैनेट, तो प्लैनेट क्या हो गया? कॉमन नाउन. पर अगर मैंने बोल दिया प्लैनेट अर्थ, प्लैनेट मार्स, प्लैनेट जुपिटर, तो ये जो सारे नेम्स हो गए ये क्या हो गए? प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की. जो सारे हमारे कॉमन नाउन होते हैं, जब वो कलेक्ट होते हैं, जब वो एक ग्रुप बनाते हैं, तो उस ग्रुप का एक और नाम रख दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन. जैसे अगर बहुत सारी काऊ खड़ी है तो हम क्या बोलते हैं? अ हर्ड ऑफ कैटल. हर्ड, यहाँ पे जो हमने वर्ड बोला हर्ड, जिसे हम हिंदी में झुंड बोलते हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा कलेक्टिव नाउन. अगर बहुत सारे सोल्जर्स खड़े हैं तो उनकी क्या बन जाएगी? एक आर्मी. तो वो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन. अगर बनाना का एक जो ग्रुप है पूरा, उसको मैं बोलूंगी तो वो होता है बंच ऑफ बनानास. तो वो जो बंच वर्ड हो गया, ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन. तो इसी तरीके से जब हम कॉमन नाउन को एक साथ रखते हैं तो उसका जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप का भी एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है, जिसको हम लेते हैं कलेक्टिव नाउन के अंदर. नाउ द नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं जिनको हम अपनी आईज से उनका शेप नहीं देख सकते, अपने हैंड से उसको टच नहीं कर सकते. जो चीज हमारे माइंड में है, जो चीज एग्जिस्ट भी करती है, पर उसका कोई फिजिकली शेप नहीं होता है, उसको हम पकड़ नहीं सकते, होल्ड नहीं कर सकते. जैसे कि किसी का सब्र, किसी का पेशेंस, मैं उसको फील कर सकती हूँ कि हाँ दिस पर्सन इज वेरी पेशेंट, ही हैज अ लॉट ऑफ पेशेंस, उसके पास बहुत धीरज है, बहुत धैर्य है. आई कैन फील दैट, बट आई कांट टच दैट, आई कांट सी दैट, आई कैन सी इट्स अपीयरेंस. मैं उसका अपीयरेंस वो कैसा दिखता है वो नहीं देख सकती.
किसी की इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस हमको किसी की बुद्धिमानी फील होती है पर हम उसका कोई शेप नहीं देख सकते। तो ऐसे वर्ड्स जिनका कोई शेप नहीं होता है, जिनको हम होल्ड नहीं कर सकते, वो सभी किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जैसे हैप्पीनेस, सॉरो, ब्रेवरी। ओके, इनका कोई शेप नहीं होता है। अब जो मैंने लास्ट बोला था कि फिफ्थ वाला जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, वो होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल मतलब कोई भी चीज जिससे कोई दूसरा प्रोडक्ट बनता हो। तो जैसे कि गोल्ड, गोल्ड क्या हो गया? मटेरियल नाउन। क्यों? क्योंकि गोल्ड से ज्वेलरी बनती है। फिर आयरन, आयरन क्या हो गया? मटेरियल नाउन, क्योंकि आयरन से बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, राइट? उसी तरह से वुड, वुड से फर्नीचर बनता है, तो वुड भी हो गया मटेरियल नाउन। सिल्क, सिल्क से भी क्लोथ बनते हैं, वूल, वूल से भी क्लोथ बनते हैं। तो ऐसी चीजें जिनसे, जो एज अ रॉ मटेरियल यूज में आती है और जिनसे कोई और फिनिश प्रोडक्ट बनता है, उसको हम किस में लेते हैं? मटेरियल नाउन में। सो दिस इज ऑल अबाउट नाउन एंड इट्स टाइप्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और अब आप इससे रिलेटेड वर्कशीट्स, क्वेश्चंस इजीली सॉल्व